नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। जैसे कि आपको पता है कि ये एक टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है एंड काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं इसने कुछ टाइम से। अभी ये स्टॉक 15.10 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अभी लाइव मार्केट चल रही है एंड ये काफ़ी नीचे गया था, बट इसने वहां से रिकवर किया, बाउंस बैक किया है। अभी मार्केट कैप की बात करें तो 73,409 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 है, मतलब स्प्लिट की संभावना है आने वाले वक्त में। प्रमोटर होल्डिंग जो है 50.40% है। टेलीकॉम का ये स्टॉक है। स्टॉक अभी 50 DMA से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है एंड मुझे लगता है यहां से बाउंस बैक करेगा ये, जो मेरी एनालिसिस है। तो ये काफी अच्छी बात है। स्टॉक का पी तो आप पूछिए मत, अभी थोड़े से दिक्कत में चल रहा है ये स्टॉक, क्योंकि इसके ऊपर आपको जैसे पता है कि काफी सारा कर्जा वगैरह है। साथ में काफी अच्छी अच्छी न्यूज भी आ रही है, बाकी फंड रेज एंड एवरीथिंग, वो सारी सारी चीजें हैं। तो देखिए क्या बनता है। पर इसकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो काफी अच्छे तरीके से इसने स्टेबल किया है। अगर सेल्स की बात की जाए तो अगर बड़ी नहीं है ज्यादा तो बहुत हल्की हल्की बड़ी है, पर अगर ज्यादा नहीं बड़ी है तो कम भी नहीं हुई है, जो कि एक अच्छी बात कही जाएगी। ओके, तो इसकी सेल्स की बात करें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लास्ट स्टैंड अलोन की बात है ये, लास्ट क्वार्टर में ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां से इसने अप मूव ही दिया है। ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें तो भी अप मूव दिया है, एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो है जरूर माइनस में, पर माइनस में और थोड़ा सा ज्यादा चला गया है। जैसे कि आपको पता है कि इसके ऊपर काफी ज्यादा लोन है इस टाइम पे, पर गवर्नमेंट की काफी अच्छी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो वो भी एक अच्छी बात है। अभी ये स्टैंड लोन दूसरा है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पे प्रॉफिट है, ऑपरेशनल में भी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है एंड ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अभी। सो लेट्स सी क्या एक्सपेक्टेड में क्या आता है। तो ये इसके रिजल्ट रहे हैं, रिजल्ट कुछ खासे अच्छे नहीं रहे हैं, बट इस टाइम काफी अच्छी एक्टिविटी दिखाई गई है, तो लेट्स सी, हो सकता है कि ये स्टॉक बाउंस बैक करे। प्रमोटर्स के पास है 50.36%, FII इसके पास है 2.27% एंड DII इसके पास है 3.05%। आप देख सकते हैं कि DII ने सितंबर के मुकाबले यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है। आप ये देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 0.54 थी, फिर जून में 0.73 हुई, सितंबर में 1.80 हुई एंड अब दिसंबर में DII ने बढ़ा के 3.05% कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट की इसमें काफी इन्वॉल्वमेंट है, तो गवर्नमेंट की 33.18% गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक के पास 11.14% है, 11.14% है, काफी छोटा चंक है। तो वैसे अगर देखा जाए तो जरूर इसमें कमियां भी हैं स्टॉक में, पर इसमें काफी अच्छी चीजें भी हैं स्टॉक में, राइट। तो अब इसके चार्ट पे थोड़ी सी नजर मारते हैं, पर उससे पहले एक बार देख लेते हैं कोई न्यूज तो नहीं आई है। तो अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है, तो ये देखना काफी जरूरी होता है। आप स्क्रीनर से ही वहीं पे जंप करके देख सकते हैं। तो इसके थोड़े चार्ट के बारे में बात करें तो ये चार्ट मैंने चैनल पहले वीडियो बनाई है तो यही सेम चैनल था एंड आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ परफेक्ट चैनल राइट नाउ, जो एक पॉसिबल परफेक्ट चैनल बन सकता है। सो इस चैनल के अकॉर्डिंग अभी जो वैसे लाइव मार्केट चल रही है अभी, एंड लाइव मार्केट में अभी जो ट्रेड कर रहा है स्टॉक वो 15 रुपए 10 पैसे पे ट्रेड कर रहा है एंड इसका जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यही है इसका। मुझे जो लगता है कि ये अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है अपने, एंड यहां से बाउंस बैक ये करेगा जो मुझे लगता है। उसके बाद का अगर सपोर्ट देखा जाए तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसके बाद अगर ये गिरता है तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये आता है 13.40, 13.40 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है, पर अभी के लिए ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाउंस बैक भी कर रहा है यहां से, और किया भी है, नीचे आके फिर से ऊपर गया। तो इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है नेक्स्ट इसके रेजिस्टेंस जो कि ये ले भी रहा है, इसकी आएगी 15.60 के आसपास, 15.60 के आसपास, देन इसकी 16.75, 16.75
6.75 एंड 17 के बीच में आ सकती है. देन इसकी रेजिस्टेंस आ सकती है 18.20, जहां से ये चैनल को भी प्रॉब्लली ब्रेक करेगा क्योंकि चैनल के ऊपर ये बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि यहां पे इसकी रेजिस्टेंस आ सकती है. बट जैसे कि आप RSI देख सकते हैं, RSI यहां पे सेटल डाउन हो चुकी है एंड अभी मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री के चांसेस काफी अच्छे हैं. रिजल्ट भी आने वाला है कुछ टाइम में Q3 का, तो अभी एंट्री बनाई जा सकती है. फ्रेश एंट्री सेटल डाउन हो चुकी है RSI एंड ऊपर से ये काफी जितना गिर सकता था गिर भी चुका है एंड यहाँ पे चैनल की अगर बात करें तो चैनल से बाउंस बैक करके जा रहा है. तो मुझे लगता है अभी फ्रेश एंट्री के काफी अच्छे चांसेस रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी. एंड मैं तो हमेशा आपको रेकमेंड करूंगी कि हमेशा जब भी स्टॉक लो, कोई भी आप एंट्री करते हैं किसी भी स्टॉक में, तो थोड़ा सा कम से कम 1-2 क्वार्टर देख के ही चलिए. 1-2 क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने से 6 महीने के बीच का समय लेके ही चलिए एंड इतना समय तो मुझे लगता है देना ही चाहिए. तो बाकी मैं इसके टारगेट की अगर बात करूं तो मुझे Q4 से पहले पहले ये 50 टच करता हुआ आराम से दिख रहा है. 50 नहीं तो 50 अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए, मतलब मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस स्टॉक को लेके, तो मुझे लगता है कि 50 टच करेगा. मेरे को काफी उम्मीदें हैं इससे, मेरी वो एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ. अगर आपको वो थोड़ा ज्यादा लगता है तो आप इसका टारगेट 40 भी लेके चल सकते हैं कि 40 तो नेक्स्ट क्वार्टर से पहले पहले करेगा. बाकी ये मेरी एनालिसिस है, कोई वो पत्थर की लकीर नहीं है कि ये होना ही होना है. बाकी आप खुद जानिए पढ़िए समझिए कि क्या हो सकता है कैसे हो सकता है. और जब भी कोई कोई इंडिकेटर्स लगते हैं या कुछ होता है, चैनल बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, अगर आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर आपको मदद करना चाहूंगी. एंड आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्टॉक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके. एंड इस स्टॉक के बारे में कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, मैं अपनी 100% अपनी साइड से हेल्प करने की कोशिश करूंगी. रेस्ट मिलते हैं कल वीडियो में, अगर कोई न्यूज आती है कुछ होता है तो आपको डेफिनेटली अपडेट कर दिया जाएगा. थैंक यू.